लॉक सेट को लगाने के लिए फ्रीजर का इसमें लॉक सेट खराब हो गया है, तो कच्चा अभी टूट गया, तो किस तरीके से इसे खोलना है। केबल को सबसे पहले हमें यहाँ खोल लेना है, तीनों केबल को, मीटर केबल और ये दो फ्रंट वाला केबल, मीटर को भी खोल लेंगे। यही लॉक को भी लगाएंगे, फ्रीजर BS4 मॉडल वाला, जिसमें सीट का सिस्टम भी देख सकते हैं यही इस जगह से होता है, ये वाला यहाँ पर। तो इसे अभी लगाएंगे, मीटर केबल को भी हटा लेंगे, ताकि अभी हैंडल को खींचेंगे ऊपर की तरफ, ताकि आसानी से हमारा हैंडल ऊपर हो जाए। और इसे लगाने के लिए नोज को बाहर करना पड़ता है, नोज को हमने खोल के बाहर कर दिया है। और यहाँ एक बोल्ट होता है, इधर 14 mm का और इधर एक 17 mm का नट होता है, इसे हम खोल लेंगे। खोलो, 17 mm के बोल्ट को पहले बाहर कर लेंगे, नट को, सॉरी। तो इसे खोल देना है, और इसे खोल के इसे इस तरफ ऐसे घुमा लेंगे, फिर इधर से खींच देंगे बोल्ट को, खींचो। ये बोर्ड देख सकते हैं कि बाहर हो चुका है ये वाला, और अब हैंडल को ऊपर की तरफ खींच लेंगे हम। रुक जो लेफ्ट राइट हिलाएंगे फ्रंट इसी तरीके से, हल्का हल्का, ये बाहर की तरफ देख सकते हैं आ रहा है यहाँ से। चलो लेफ्ट राइट, हाँ देख सकते हैं कि अब मुंडी बाहर हो गया इसका। अब इसके लॉक को लगाने के लिए इसे हटाना पड़ता है, और अब हमें इसे भी हटाना होगा, ये वाला, तभी यहाँ पे टूल्स लगेगा। यहाँ से कोई ऑप्शन ही नहीं कि खुल जाएगा, अगर हम बिट को भी लगाते हैं, ये वाला बिट को देख सकते हैं इस जगह पे ये लग ही नहीं रहा। तो अब क्या करेंगे, इसे हटाना पड़ेगा, हैंडल टी को इसे बाहर करना पड़ेगा अपने। अब इस दो नट को हमें, अब हैंडल का भी काम इसका करना होगा, वगैरह ग्रीसिंग वगैरह सभी कर देंगे साथ में। इसे ऊपर वाले नट को खोल लेंगे, उसके बाद इसे बाहर कर लेंगे। देख सकते हैं अब खोल दिया इसे हमने स्क्रू को, और ये स्क्रू है अगर तो इस तरह का, अगर स्क्रू है ये वाला देख सकते हैं, तो इस टूल ये बिट एक ले लें आप, ये आपको टूल्स की दुकान में मिल जाएगा, ये बहुत बढ़िया होता है, हमारे ये स्क्रू भी ख़राब नहीं होता। तो इसे हमने बाहर कर लिया फ्रेंड इस तरीके से, और इसे बाहर करके अब हम ये केबल को लगाएंगे, सीट लॉक केबल को, सीट लॉक केबल वाला सिस्टम इसी में है। यहाँ एक स्क्रू लगा हुआ है, इस स्क्रू को भी हम खोलेंगे इस तरीके से, और इसे बाहर कर लेंगे हम इसी तरीके से। बाहर कर लिया हमने, और ये लॉक, और अब हम नए लॉक को लगाएंगे, देख सकते हैं इसको, स्प्लेंडर सॉकेट वाला सिस्टम, 4 वायर वाला, BS4 में लगेगा लेजर में। इसका प्राइस 815 रुपये। लगाने से पहले खोल लेंगे यहाँ इस पत्ती को, और पहले वहाँ लगा लेंगे अंदर की तरफ केबल, उसके बाद में लगाएंगे ना उसको, कौन है वो बाद में, उसको लगाओ ना पहले, यहाँ फंसाइए ना केबल को, लेंगे और इस खांचे में फंसा देंगे। तो अब फंसाएंगे इसी जगह पे जाके, इसे लगा देना है इस तरीके से, ये ऐसे, एक मिनट, इस तरीके से फंसा देना है, देख सकते हैं कि फंस चुका है अब ये,
इस जगह पे फंस चुका है ये, और अब हम ये पत्ती को लेंगे और इस तरीके से यहाँ इस खांचे में लगा देंगे इससे, इस तरीके से यहाँ लगा देंगे थोड़े, और ये जो स्क्रू है यहाँ लगा देंगे इस तरीके से यहाँ पर, दो भीड़ दो रहे जिसे केबल को हमको खींच के इसे टाइट कर लेंगे। टाइट कर दिया अब हमने, और अब यहाँ का प्रक्रिया सब खत्म हो चुका है। अब यहाँ हम टाइट कर लेंगे स्क्रू को इस तरीके से यहाँ पे, सॉकेट सॉकेट जगह इधर उधर हो रहा है, इसको लगा लेते हैं पहले, सॉकेट को लगा देंगे हम, स्पेंडर टाइप का सॉकेट मिल जाता है इसमें, और अब हम स्क्रू को इसे पूरा हमने हैंडल टी को बाहर नहीं किया, बस नीचे की तरफ इसे ले लिया है, और अब स्क्रू को लेंगे और टाइट कर देंगे। बोल भाई, इसे अब हम टाइट कर लेंगे इस तरीके से करके बिट लगा के, और हम स्क्रू को टाइट कर लेंगे, इसे फुल टाइट कर देंगे ताकि लूज ना हो, क्योंकि इसे लगाने के लिए बड़ा हेरा फेरी करना पड़ता है, पूरा हैंडल वगैरह को खोलना पड़ता है तभी ये टाइट होता है स्क्रू। लेंगे और चारों तरफ लगा देंगे, इसका ग्रीसिंग भी हो गया। इसी तरह नीचे भी करेंगे, नीचे भी हम ग्रीस को लगा देंगे, देख सकते पूरा सूख चुका था। लॉक सेट लगाने के साथ साथ इसका दो काम हो गया, हैंडल भी ग्रीसिंग, और ये नीचे लगा थोड़ा ऊपर करके उसको, हाँ नीचे लगा वहाँ पर, हल्का हल्का भर देंगे वहाँ पे, चलो हो गया। और लगाना इसमें बढ़िया से, इसी तरीके से लगा के अब हम इसे ऊपर की तरफ ले लेंगे और नट को फिर लगा देंगे, इसमें भी हल्का हल्का ग्रीस लगा देंगे, इसे सीधा करके, सीधा करो पूरा स्ट्रेट, हाँ, और इसे ऊपर की तरफ हम ले लेंगे और इस नट को टाइट कर देंगे, जो सर वाले नट को, ये इसे हाथों से चढ़ाएं ताकि गुना ना खराब हो, और इसे लगाने के बाद हम टाइट करने के बाद इसे अब हम लगा देंगे, ये वाला ये लॉक कर देता है इस ये नट ये रेसर को ताकि ये लूज ना हो। इसे हम इस पर छेनी वगैरह लेके यहाँ इस तरीके से पकड़ लें इस नट को, ताकि ये नट ना घूमे, पकड़। और अब हम इस नट को टाइट कर लेंगे, इस तरीके से टाइट कर लेंगे।
लॉक सेट में एक हमें डिक्की का लॉक भी मिल जाता है, ये वाला, इसे भी लगा देंगे, ये वाला, इसे बाहर कर लेंगे फ्रेंड, और इस तरीके से ये इस तरीके से लगाएंगे और इसे फिट कर देंगे, इस तरीके से फिट करके, और ये जो लॉक होता है इस तरीके से बिठा देंगे यहाँ पे, और ये कंप्लीट हो चुका है अब, और अब डिक्की लॉक को लगा देंगे, और अब हैंडल को ले लेंगे और बिठा देंगे। चढ़ो ना उस पर, चढ़ जा ऊपर, चढ़ बिठा के इसे, एक यहाँ होल होता है उसे मैच करके उसे लगा देना है बोल्ट को, बोल्ट, और उस बोल्ट को अब लगा देंगे। बोल्ट अब लगा दिया, और इधर 17 mm का, एक मिनट, हाँ चलो लगाओ। वाइसर नट इसे लगा के टाइट कर देंगे, और इसका काम हो जाएगा पूरा फ्रेंड, और इसे फुल टाइट कर देंगे। अब लॉक को चेक कर लेंगे हम, हैंडल लॉक हो रहा है कि ये लॉक हो रहा है, और अब सीट लॉक को खोलेंगे, ये अभी लॉक है इस तरीके से, देख सकते हैं ये खुल चुका है, लॉक कर देंगे, लॉक हो चुका है, फिर एक बार चेक कर लेंगे, देख सकते हैं। वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।